हाँ जी, आज दिन है शुक्रवार और यहाँ पर अभी मैं नहा ली हूँ, सर धो लिया है मैंने और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दिया। सुबह शुक्रवार में चौकी लगानी होती है, सबसे पहले चावल डाल के मतलब जो है कलश वगैरह लगाना होता है, चावल यंत्र के आगे अपना चांदी या सोने का कोई चीज़ रखनी होती है। तो ऐसी तो कुछ नहीं है, अपने पाँव की पायली रख देती हूँ, पर रखनी चाहिए लाल कपड़ा ढक के, ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की जाती है, मैं धन की लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, मतलब लक्ष्मी मैया का व्रत है ये। वैसे आज के दिन संतोषी माता का व्रत भी रखा जाता है, पर उसमें खट्टे का सेवन नहीं करते, घर में कोई खट्टा नहीं खाता और इतने लेडीज व्रत रखती है, इतने बिल्कुल भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करती। हमारे घर में मैं ही कर लूँगी, बाकी सब नहीं करेंगे, सबको करना होता है क्योंकि मैंने रखे हैं ये व्रत पहले शादी से पहले। अब मैंने दोबारा से अपने वैभव लक्ष्मी के व्रत स्टार्ट किए हैं, पूजा पाठ के साथ साथ बच्चों को ध्यान देना, घर का काम सब कुछ करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि साथ में इंसान के कुछ नहीं जाता, जाता है तो साथ में इंसान के कर्म और उसका अच्छा बुरा जो उसने किया है और पूजा पाठ। अगर हम थोड़ा टाइम अपने खर्च के लिए इधर उधर घूमने के लिए निकाल सकते हैं, तो एक आध घंटा हम प्रभु के लिए भी तो निकाल सकते हैं, जो हमें देता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, हर मुसीबत में वही राह दिखाने वाला है। और मेरा तो फास्ट है, तो मैं बच्चों के लिए है ना थोड़े से जो है खाने के लिए कुछ बना दूँगी, बच्चों को भूख लग रही है। मैंने कहा मेरा फास्ट है, आप लोगों के लिए बना देती हूँ, कोई बात नहीं, आप दोनों खा लेना। तो पहले सुबह मैंने इनको ना नाश्ता करा दिया था, अभी इनको नाश्ता कराने के बाद मैं इनके दोपहर का खाने का कुछ सिस्टम बना के दे रही हूँ। ये देखो कायरव बाबू ने खाट मुंदी कर रखी है, लकड़ी खाट से लगा के रखी हुई है, बोल रहे हैं मेरे को इसमें रस्सी बांधनी है। मैंने कहा नहीं, अंदर चलो पहले खाना खाओ, मैं रस्सी नहीं बांधने दूँगी। मैंने कहा आपके लिए खाना बनाया है मैंने, वो खाना है पहले या रस्सी बांधनी है, पिटाई हो जाएगी। वो थोड़ा धमका के रखना पड़ता है मुझे, फिर अंदर लाई, गोपाल जी को भी भोग लगा दिया। आज डे है शुक्रवार और मेरा फास्ट है, तो पूजा पाठ का सारा काम कर लिया, बच्चों को बना के भी दे दिया खाने के लिए, क्योंकि भाई मेरा ही तो फास्ट है, बच्चों का थोड़ी ना फास्ट है, इनको तो बना के देना ही था। अब नहीं, अभी भी स्कूल नहीं गई, इसका जो है कोर्स नहीं लिया गया और ये जा नहीं रही बिल्कुल भी कोर्स की वजह से, कि फिर मैं तीन बाइंडर दे दी, फिर मैडम जो है बाकी की मैडम भी बोल लेंगी कि किताब कहाँ है तुम्हारी, बुक्स कहाँ है, तुम क्यों नहीं मतलब पूरी कम्प्लीट कोर्स ला रही। तो और एक दो दिन लग जाएगा, अभी टाइम लग रहा है बहुत। चलो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। कहाँ है आपका घर? ओ नो, इतना सुंदर घर मेरे बच्चों का, देखो अरे तरीके कैसा लगा मेरे बच्चों का आसियाना, कमेंट करके बताना। अब नहीं कह रही ये मम्मी हमारा घर है, हमारा घर कब बनेगा? मैंने कहा बेटा ये हमारा ही तो घर है, जिस घर में हम रहते हैं। लगता नहीं है मम्मी ये हमारा घर है, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, मम्मी अम्मा और पापा जो हैं मतलब साथ में नहीं रहते। मैंने कहा बेटा समय समय की बात है, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ को इतना सीरियसली मत लिया करो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। बाबू की तबीयत ख़राब है, बाबू को बुखार है, रात भी दवाई दी थी और अब भी दवाई दी है मैंने इसको, और अभी जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ कसार, जैसे कि शुक्रवार है और मेरा जो है ना फास्ट है, तो पूजा करने से पहले जो है ना कसार बना के प्रसाद में रख लिया जाता है, रखना चाहिए, मैंने ऐसा पढ़ा भी है। यहाँ पर कुछ दो चार रुपए खुले हुए मैं रख लेती हूँ बच्चों के नाम के, तो वो है ना गिर गए थे वो उठा के रखे, लक्ष्मी है चुचकार कर उठा के रखी, हल्का सा घी मैंने इसमें डाल लिया, आटा डाल के रखा हुआ है, इसको भून लूँगी, कसार तैयार कर लेती हूँ। बस फिर एक कसार में केला डाल दूँगी, पूजा में बैठ जाऊँगी। मैंने 6 केले मंगाए थे आपको बताऊँ, बच्चे खा लेते हैं, एक दो मैंने खा लिए, मेरा फास्ट था, और जो कसार में डाला जाएगा वो मैंने वहीं पूजा के आगे रखा हुआ है, भोग लगाया था माता रानी को, प्रसाद रेडी करके बस पूजा करनी होती है, और शाम को या सुबह में एक टाइम पूरी किताब पढ़नी होती है, तो मैं शाम में पढ़ लेती हूँ, सूरज अस्त होने से पहले पहले पूजा करनी होती है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे चौकी लगानी है, क्या करना है, सब चीज़ें किताबों में बताई गई है। और जो आदमी सच्चे मन से श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसकी इच्छा पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं। मैया रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपना हाथ बनाए रखे, मैं तो यही बोलूँगी, सबके भले में अपना भला। और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, बच्चे चाय पी रहे थे, ब्रेड खा रहे थे, मैं छत पे आई हूँ, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो छत का कितना प्यारा लग रहा है, पीछे का मौसम, पर धूप हो रही थी कैमरे में, शायद इतनी दिखाई ना दे रही हूँ। तो यहाँ पर अभी जो मैंने चौकी पर चावल लगाए हुए थे, वो चावल किताब में लिखा हुआ है कि पंछियों को डाल दिए जाए अगले दिन जब आप चौकी उठाओ, तो जैसे मैं चौकी उठाती हूँ उसके बाद में ये चावल पंछियों का डाल देती हूँ। और जब भी कभी आप सूर्य को जल दें तो
तो जल इस प्रकार दे, हाथ ऊंचे हों और पैरों पर जल के छींटे नहीं आने चाहिए। ऐसा मैंने सुना है कि जब भी आप जल देते हो तो पैरों पर जल के छींटे आते हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं भी बहुत ध्यान के साथ में जल दे रही थी। और अभी चलते हैं नीचे की साइड, किचन में आ चुकी हूँ। अभी मैं बनाऊँगी आज खाने में कड़ी की सब्ज़ी। तो जीरा है, मेथी है, प्याज है, लहसुन ख़त्म हो रहा है। इस छोटे से फ्राई पैन में ही कड़ी में तड़का लगा दूँ, थोड़ी सी हमें कड़ी बहुत होगी। दो सदस्य आज बहुत टाइम के बाद कड़ी बना रही हूँ। वैसे तो कायरो बाबू तो नहीं खाएंगे, अवनी खा लेगी कड़ी। अवनी को ही लग रही थी आज मुझे कड़ी खानी है, मम्मी कड़ी बनाओ कहीं से चाय लाओ। फिर उसकी मौसी जो है पास में, मेरी बहन मतलब, उनके यहाँ से हमें थोड़ा सा मट्ठा मिल गया और मैंने बच्चों के लिए कढ़ी बना दी। तो अभी यहाँ पर छौंक हो चुका था, मैंने जो कढ़ी छाए मतलब जो है तैयार करके रखी हुई थी, मट्ठा छाए हम तो कुछ भी बोल देते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। अच्छा लगता है कि कौन कौन क्या क्या बोलता है ये सुनने में। और इसमें बेसन है, मिर्च है, मिर्च बहुत कम है, नमक है, हल्दी है। बच्चों के साथ कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। ये कायरो में नाक छेड़ता रहता है, मैं इसको छेड़ रही थी। मैंने कहा अच्छा नाक छेड़ेगा मैं तुमको छेड़ूंगी, चाहे मैं कितनी भी परेशानी में हूँ अपने बच्चों के साथ खेलती रहती हूँ। मैं मजाक कर रही थी, चलो तुम्हारा बुखार नापती हूँ। अब ये भी तबीयत डाउन सी बता रही है, खा तो ली कड़ी, अभी तबीयत डाउन बता रही है, इसको भी जुकाम हो रहा है, मौसम की बदल हो रही है और वायरल फीवर चल रहे हैं मुझे लग रहा है, सबको हो रहे हैं पता नहीं क्यों। आसपास में भी यहाँ सबको किसी ना किसी को बुखार हो रहा है, कभी किसी का उतरता है, कभी किसी को चढ़ता है, हमारे घर में भी आ रहा था, ऐसे सबको हो रहे हैं। मम्मी पापा से बात हुई, ने पता चला कि कायरो को बुखार है, कैसे हो गया, परेशान हो रहे थे। मैंने कहा अभी तो ठीक है, आप परेशान मत हो, मैंने दवाई दे दिया कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख, अकेली रहती है, अकेली सब कुछ करती है, थोड़ी टेंशन तो होती है माँ बाप को। चलिए फिर आपसे बात कर। कुछ टाइम आप लोगों का कीमती मैं लेना चाहती हूँ, आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत सारा टाइम देते हो, सारे ब्लॉग देखते हो, इतना सारा टाइम देते हो, वीडियो बहुत कम चल रही है जैसे कि आप लोगों को पता है। मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप किस्तों पर फ़ोन ले लो, 0% किस्तों पर। किसी ने कुछ और तरीके से बताया, सब ने अपने अपने सोल्यूशन रखे हैं। और बच्चों के स्कूल को लेकर भी बहुत सारे मतलब कमेंट्स आए हैं मुझे, तो सारी चीज़ों को सोच के मैंने एक रीजन पर निकली हूँ, वो तो मैं फिर ही बताऊँगी। पता है एक वीडियो 2 दिन में तैयार हुई है, मतलब जब आदमी का जो है ना माइंड है ना डिस्टर्ब होता है, तो वो चाहे कितना भी वो कर ले, एक दिन की वीडियो बनाने की कोशिश करे, पर जब ये माइंड साथ नहीं होता तो वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एक दिन की वीडियो 2 दिन में कंप्लीट हो रही है। रीज़न बस यही है कि माइंड जो है मेरा थोड़ा ख़राब है बच्चों को लेके, कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो मेरी कुछ भी मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक एक दिन अवनी की पढ़ाई लेट होती जा रही है, कायरो तो चलो अभी नर्सरी में ही आएगा, पर अवनी के लिए जो है टाइम बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग मेरा इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी इंस्टा की आईडी मतलब जो है तो याद थी, पर उसका पासवर्ड वगैरह जो होता है वो मैं भूल गई थी, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रात गए उसमें बहुत सिर मारा, बहुत देर तक मतलब मैं लगी रही कि कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं मेरी आईडी जो है वो वापस हो जाए बन जाए किसी न किसी तरह, मेरे याद ही नहीं था पासवर्ड। खैर आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद सुबह के 3 बजे मैं सोई हूँ और मेरी जो है इंस्टा की आईडी बन गई है। बट अगर आप लोग जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत दिनों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे थे, मैं उन सबसे बात करूँगी, आज बात कर पाऊँगी शाम के टाइम में या दोपहर में मैं ऑनलाइन आऊँगी। अभी फ़िलहाल तो वीडियो का काम ज़रूरी है, आप लोगों से बात करनी बहुत ज़रूरी थी। तो मतलब मेरा दिमाग जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, फ़ोन किस्तों पे लूँगी तो उसमें भी थोड़े बहुत पैसे जमा करने पड़ेंगे शायद, पूरी जो है जानकारी मैं लूँगी अभी मुझे नहीं है। और जो अवनी के स्कूल में है उसमें उसके सर ने बोला कि आधे जमा कर दो, आधे कायरो के आधे अवनी के, तो कोर्स मिल जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी दिमाग परेशान है, देखती हूँ किसी से मांगने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मांग तांग के काम चलाऊँगी कुछ टाइम किसी से उधार उधार लेकर। तो मतलब मेरा दिमाग इस चीज़ को लेके परेशान है कि मैंने किसी से बोला है, मैंने पहले बताया पैसों के लिए मिल जाएंगे तो 2-4 दिन अभी और लग जाएंगे, एकदम ही इनका बच्चों का एडमिशन कराती हूँ। देखती हूँ जैसे कि जो भी कुछ होगा आप लोगों को पता चलेगा, महीने के एंड में सैलरी आती है, अब उस सैलरी में घर का खर्च भी होता है। वैसे बहुत लोगों ने बोला है कि मतलब ज्योति जी आप बहुत हिम्मत करती हो, अकेले सब कुछ एडजस्ट कर रही हो। देखो होता है, जिनके घर में मर्द नहीं होते वो भी करती हैं बेचारी, जिनके नहीं हैं वो भी रहती हैं, करना पड़ता है। पर मैं इतने बुरे समय में भी इस तरह का समय मेरा चल रहा है, चाहे कितना भी बुरा समय है कुछ भी है,
इसमें भी मैं मुस्कुराने की, खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना हम मेंटली सोचते हैं डिट्स होता है मेरा दिमाग ख़राब, ऐसी बात नहीं कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो, पर हम जितना डिप्रेशन में जाएंगे, जितना सोचेंगे उतना हमारा बीपी, मेरा बीपी लो हो जाए, तबीयत ख़राब होने लगा, टेंशन में हो जाऊँ, तो मेरे बच्चे मतलब विराम से हो जाए, मुझे देखते ना मम्मी को क्या हो रहा, मम्मी आज अपसेट, तो मैं नहीं चाहती उनके चेहरे की हंसी मतलब मैं छीनूँ, और उनके लिए जो कुछ है मैं उनकी दुनिया हूँ और वो मेरी दुनिया है, तो जो कुछ ना जो कुछ जितना कुछ कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरे बच्चों की तबीयत ढीली हो रही है, मेरे बच्चे को बहुत जुकाम हो रहा है इस वाले को, और बुखार सा हो रहा बेटा, तो भी ले लो बुखार की दवा, अकारब को भी बुखार है, उसे भी दवाई दी है, मौसम की बदल ऐसी भी दोनों बच्चों को बुखार हुआ, को भी हो रहा, मुझे भी हो रहा, सब कुछ चल रहा है, वायरल बुखार है, जो हमारी बहन है उसकी लड़की को भी हो रहा है, स्कूल में ही हो गया था, सब कुछ चल रहा है। आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, बुखार इस तरह के हैं कहीं कहीं दिन लग रहे, बुखार नहीं उतर के तेरे बेटा, मोटर में आ जाएगा, रुक जा। तो शुक्रवार का व्रत था, फिर कुछ शुक्रवार को बनाई कुछ वीडियो, कुछ शनिवार को बनाई, दो दिन में जाके कंप्लीट हुई। तो बिल्कुल मैं अब ये सोच रही हूँ कि कुछ भी ना करके खुद के बूते पे कुछ मतलब करूँ, किसी से ले दे के बच्चों का एडमिशन कराऊँ, फिर बाद में। बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, मतलब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं पढ़ती हूँ कमेंट, तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप, है ना, कहीं भी किसी को कुछ मत बोल लो, या यहाँ मेरे कमेंटों में भी किसी के लिए कुछ मत बोल लो, ना मैं कहना चाहती ना मैं सुनना चाहती इस बारे में, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बट आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। मेरे बच्चों का घर कैसा लगा कमेंट करके बताइए।